और देखे अविंदर सहवाग को उठ गए कि भाई बाबर आजम जो है T20 का प्लेयर नहीं है, शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ वो जो हार है ना 152-0, वो अब तक इतनी डरा के रखा है पूरे इंडिया को कि बाबर आजम से इतना डरते हैं कि अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बाबर आजम किसी तरह T20 से निकल जाए। जिसको आप बोलते हो कोहली, विराट कोहली जो किंग मानते हो, जो बिल्कुल मुझे लग रहा है आजकल जाली किंग बन के रह गया है। आप बाबर को क्रिटिसाइज करोगे उसके स्ट्राइक रेट को लेके, तो भाई कोहली का कौन सा अच्छा स्ट्राइक रेट है? वो भी बिल्कुल खस्सी स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो उसको आप नजर चढ़ाया भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करता हूं सब फेयर होंगे और आपके लिए आपको चीजें बता रहा हूं। तो गाइस रिसेंटली जो है रविंद्र सहवाग इंडिया के जो है बहुत माने जाने खिलाड़ी हैं, उन्होंने बात की कि भाई बाबर आजम जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है। तो ये बात बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है क्योंकि जैसे आपको पता है आजकल जो है बाबर आजम के लिए बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, चाहे हम बात करें जो मीडिया पर्सन है पाकिस्तान में जो एंकर है वो भी बहुत बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो बातें कर रहे हैं, इसी तरह जो एक्स क्रिकेटर है वो बातें कर रहे हैं। वो बात क्यों करते हैं बाबर आजम के लिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि बाबर आजम जो है पूरी दुनिया में आपको पता है एक ब्रांड है, और जहाँ वो जाते हैं और जो भी उसका नाम लेता है वो बंदा हो जाता है वायरल, और वो भी खास तौर पर नेगेटिविटी में। पॉजिटिविटी की बात करें तो हर भी बात करता है बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम की बहुत ज्यादा फैन है। लेकिन हम बात करें भाई नेगेटिविटी की, तो हर कोई जो है वो बाबर आजम का नाम लेकर वायरल हो रहा है और उसका नाम लेकर जो है वो मशहूर होना चाहता है। और जो पहले बहुत ज्यादा मशहूर थे लोग, अब उनको कोई पूछता नहीं है, कोई उनका नाम लेता नहीं है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं बाबर आजम का नाम लेकर मशहूर हो रहे हैं। तो इसी तरह वरिंदर सहवाग ने बात की कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप कहते हो कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, तो जिसको आप बोलते हो कोहली, विराट कोहली जो किंग मानते हो, जो बिल्कुल मुझे लग रहा है आजकल जाली किंग बन के रह गया है, आप उसकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उठाओ। 4 मैच खेले उसने, एक में उसने 5 बॉलों में 1 बनाया, एक में वो डक पर आउट हुआ, ठीक है, इसी तरह एक में उसने 2-3 रन बनाए, और आज वो 24 बॉलों पे 24 खेल के आउट हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच खेल रहा है। उसको तो आप बड़ा किंग मानते हो और विराट कोहली की बड़ी तारीफ है, विराट कोहली ऐसा वैसा ऐसा, तो भाई तो फिर ये विराट कोहली भी का T20 का प्लेयर नहीं है? वरिंदर सहवाग मेरा आपसे सवाल है, उसका जवाब मुझे चाहिए और आप लोगों से भी चाहिए। जो बाकी बहुत सारे लोग जो बातें करते हैं बाबर आजम के लिए, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, तो भाई फिर विराट कोहली जिसको आप इतना मानते हो तो बोल दो कि वो भी प्लेयर नहीं है। तो बात करो पूरी प्रॉपर तरीके से, बात करो विराट कोहली की भी, जो विराट कोहली परफॉर्मेंस दे रहा है 24 पे 24। आज जो ट्रैक था वो खंडर ट्रैक था, रोड पिच थी भाई, आज तो बैटिंग पिच थी जिसमें पंत ने आगे इतना जबरदस्त खेला, 4 छक्के मारे उसने, इसी तरह फिर अभी सूर्य कुमार खेल रहा है। लेकिन विराट कोहली क्या कर रहा है 24 बॉलों पे 24, तो वो भी T20 का प्लेयर नहीं है, मान जाओ फिर वो भी खस्सी किंग बन के रह चुका है। आपने उसको बहुत चढ़ाया है, ठीक है उसकी बहुत परफॉर्मेंस थी, लेकिन करंटली अगर आप बाबर को क्रिटिसाइज करोगे उसके स्ट्राइक रेट को लेके, तो भाई कोहली का कौन सा अच्छा स्ट्राइक रेट है? वो भी बिल्कुल खस्सी स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो उसको आपने इतना चढ़ाया है। लेकिन क्या बात होती है बाबर की, आप लोग उसके पीछे लग जाते हैं, इंक्लूडिंग ओवर मीडिया एंड ओवर पीपल एज वेल। वो बाबर को इतना क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन उनको कोहली नजर नहीं आता। आप आज 24 पे 24 बना के आउट हो गया, तो विनर सवाल, मुझे सवाल का जवाब चाहिए, और इंडियन पीपल आप लोगों से भी और पाकिस्तानी लोगों से भी, जो किंग बाबर को आप इतना क्रिटिसाइज करते हैं। अब देखिए विराट कोहली हमेशा कहाँ छूट जाता है, पंत ने आके कैसी बैटिंग की, सूर्य कुमार कोई ना कोई चलता है और वो मामला बराबर कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम के साथ ऐसा नहीं है। बाबर आजम खेलेगा तो पूरी टीम खेलेगी और मैच जीतेंगे, बाबर आजम आउट हो जाएगा तो सब हक्के चले जाएंगे। अब उसमें बाबर आजम क्या करे, अब सबकी जगह बाबर आजम नहीं खेल सकता। विराट कोहली को हमेशा से यही एडवांटेज रहा है भाई कि वो जब भी हक्के जाता है तो उसके साथ बाकी जो लड़के वो खेलते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो छुप जाता है स्ट्राइक रेट पे। लेकिन बेचारा बाबर आजम कहाँ छुपे, विराट कोहली तो छुप जाता है, किशोर दूसरों को भी छुप जाता है, बाबर आजम कहाँ छुपे, उसको आप क्रिटिसाइज करते हैं। जबकि उसके इस टूर्नामेंट में अगर वर्ल्ड कप की बात करें और पिच जहाँ बहुत मुश्किल पिच थी जहाँ उसने खेला और सबसे ज्यादा स्कोर बाबर आजम का है पाकिस्तान की तरफ से, इतने सब में मिलकर पूरी टीम का जो स्ट्राइक रेट इतना नहीं है, 100 से भी कम का है, तो बाबर आजम क्या करें बेचारा। और देखे रविंद्र सहवाग को उठ गए कि भाई बाबर आजम जो है T20 का प्लेयर नहीं है, शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ वो जो हार है ना 152-0, वो अब तक इतनी डरा के रखा है पूरे इंडिया को कि बाबर आजम से इतना डरते हैं कि अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बाबर आजम किसी तरह T20 से निकल जाए। एक ही इनका खिलाड़ी है, वो चलता है तो मैच जीतते हैं, अगर वो ही होगा तो पाकिस्तान कभी जीत ही नहीं सकता, स्ट्रेटेजी होगी ये। तो जो वरिंदर सहवाग ने जो बात की वो डर के की है कि बस बाबर आजम को किसी तरह निकालो,
कुछ भी बोल दो उसको टी20 का प्लेयर नहीं है फला, अगर टी20 का प्लेयर नहीं होता तो भाई 152 पे 0 जो आपको मारे थे, आपके मुंह पे तमाचा मारा था, वो कैसे लगता। बाबर आजम ने 39 बॉलों पे जाकर 100 बनाया साउथ अफ्रीका में जाकर। बाबर आजम ने 200 प्लस चेस किया, पहला कप्तान है पूरी दुनिया का जिससे 200 प्लस चेस किया टी20 में, बाबर आजम। और आप कहते हो कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है, शर्म आनी चाहिए और डर जो है अभी तक आप पे जहरों में बैठा हुआ है 152 पे 0, और जिंदगी भर रहेगा जब बाबर रिजवान ने बैटिंग की थी टी20 में, आपको एक विकेट गवाए, आपको जो है मारा था, फेटा लगाया था आपका, आपको हराया था, वो मार आपको जिंदगी भर याद रहेगी। और बाबर आजम इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा, बाबर आजम इस तरह परफॉर्म करेगा। और मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा एंड में भाई के, बाबर आजम को चाहिए कप्तानी छोड़ दे और सिर्फ उनकी बैटिंग पे फोकस करें। किंग किंग है इस टाइम तो करंटली एक ही निकले हुए हैं, बाबर आजम कोहली वोली खसी की बन के रह गया, कोहली खत्म हो चुका है, 4 मैच में उसकी परफॉर्मेंस जाएगी 0-0। भाई आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपके कमेंट में वेट करूंगा कि आप वीरेंद्र सहवाग ने जो बात की है क्या कहीं फिर इस तरह, तो विराट कोहली भी टी20 का प्लेयर नहीं, उसको भी नहीं खेलना चाहिए। तो भाई होपफुली आपको रोटी पसंद आई होगी, पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।